दोस्तों यूरेनियम यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर हम अपनी बाइक में पेट्रोल की जगह डाल दे तो मात्र 2 किलो यूरेनियम 19,000 सालों तक आपकी बाइक को खींच सकती है। पर इस यूरेनियम का इस्तेमाल आखिर कोई भी देश क्यों नहीं करता, चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो 19,000 सालों में लगभग 70 लाख दिन होते हैं और अगर हम अपनी बाइक को हर दिन 50 किलोमीटर भी चलाएं तो ये कुल 350 करोड़ किलोमीटर होते हैं। और इस बढ़ते पेट्रोल के दाम के कारण हमारा खर्च लगभग इतना आएगा कि वो सच में काफी ज्यादा होगा। लेकिन अगर 2 किलो यूरेनियम की कीमत देखें तो ये 6 से 7 करोड़ के बीच बैठती है, पर फिर भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूरेनियम पूरी धरती पर बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है और हो सकता है कि आज से 70 सालों बाद इसका अस्तित्व ही धरती से मिट जाए। अगर हम इसे बाइक और अन्य गाड़ियों में यूज करने लगे तो लोग बिना मतलब के ही गाड़ियों पर निकलेंगे। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पावर देने में किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और अन्य जरूरी चीजें मिलती हैं। वैसे तो यूरेनियम का एक छोटा हिस्सा भी बड़ी बड़ी शिप्स और सबमरीन को चला सकता है, पर इसके खत्म होने के डर से आज कोई भी देश यूरेनियम का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर नहीं करता है। मोबाइल, टीवी या पीसी की खतरनाक रेस से बचने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके आप एक अच्छा सा रेडिएशन प्रोटेक्शन गॉगल ले सकते हैं।